आज आपको दिखाते हैं मसालेदार मटन कलेजी और फिफरा बनाने का तरीका। बहुत ही स्पाइसी और चटखारेदार रहेगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो गाइस, ये दो दरमियाने साइज की कलेजी और फिफरा है। सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह इसकी स्मेल खत्म कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसकी धुलाई कैसे होगी। तो गाइस, ग्राइंडर में हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है और ये छिलकों समेत एक लहसुन ऐड कर देंगे और एक चम्मच भरा हुआ नमक इसमें ऐड करेंगे और दो चम्मच सिरके के हम इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस, अब ये पेस्ट तैयार हो चुकी है, ये अब कलेजी और फिफरे में ऐड करेंगे। अगर ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे कूट भी सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से अब हम पहले मिक्स करेंगे। इस प्रोसेस से ये होता है कि स्मेल जो होती है वो सारी खत्म हो जाती है और पकाई भी अच्छी बन जाती है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है, इसे अब 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो गाइस, 10 से 15 मिनट हो चुके थे, अब हम इसकी अच्छे तरीके से धुलाई कर लेंगे। तो जैसा कि फिफरे के साथ ये पाइप भी होते हैं तो इसकी भी अच्छे तरीके से हम सफाई कर लेंगे। तो गाइस, अब बारी आती है पकाई की, जिसमें हमने एक चम्मच सूखा धनिया लिया और आधा चम्मच जीरे का। इसे हम अच्छे तरीके से पहले रोस्ट कर लेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। ऑलराइट गाइस, अब सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में फिफरा ऐड कर देंगे और इसी की पकाई सबसे पहले होगी। अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की, जिसमें दो चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी और ये सूखा धनिया और जीरा जो हमने रोस्ट करके ग्राइंड किया था। अब बारी आती है इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन भी 3 चम्मच। चलो, अब हम इसमें आधा जग पानी का ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदर टमाटर, 2 प्याज और कुछ हरी मिर्च। इसे प्रेशर कुकर में बंद करके इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो गाइस, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से इसे आधा घंटा हो चुका है और खूबसूरत किस्म के ये फिफरा रेडी हो गया। और ये आप देख सकते हैं, कलेजी अभी भी हमने ऐड नहीं की। अब बारी आती है इसमें 1 कप जो है वो घी का ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा धनिया। वैसे तो सूखी मेथी भी इसमें अच्छी लगती है, लेकिन अभी मौसम ताजा मेथी का था तो इसलिए हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसे हम अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे। तो गाइस, जब तक भुनाई हो रही है हम अपना गरम मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें 4 बड़ी इलायची, कुछ लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी काली मिर्च और जीरा, इसे हम पीस लेंगे। 5 मिनट हमने फिफरे को भून लिया। अब बारी आती है इसमें कलेजी को ऐड करने की। बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे फॉर द टेस्ट। अब हम इसमें 1 प्याली दही और मलाई मिक्स की इसमें ऐड कर देंगे। अगर देसी घी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। दही और मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा दम दे देंगे हल्की आंच पे और कलेजी को ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो वो सख्त हो जाती है। ये देखें, माशाल्लाह से हमने 20 मिनट इसे अच्छे तरीके से पकाया और देखें ऑयल भी ऊपर आ गया और खूबसूरत किस्म की भाई पकाई हो गई है। ये देखें, ये गरम मसाला जो हमने ग्राइंड किया था ये हाफ हम इसमें ऐड करेंगे। तो गरम मसाला हमने मिक्स कर लिया है, प्लेटें अब जल्दी से ले आओ, जल्दी जल्दी पा दो, भूख बड़ी लगी है। आहा, माशाल्लाह, ले जी, मसालेदार खूबसूरत किस्म का कलेजी फिफरा रेडी है टू ईट। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। भाई, कलेजी से ज़्यादा तो मुझे फिफरा पसंद है और ये मसालेदार, ट्राई करते हैं। इसका मसाला ऐसे ही चटपटा होना चाहिए, तभी बड़ा मजा आता है। और मेथी इसके अंदर फ्लेवर्स को क्या बूस्ट कर देती है यार, मजेदार। तो लाजमी इस तरीके से आप ट्राई करना और ये खाने के बाद आप कहोगे स्वाद आ गया बादशाह।